नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज हम आपको कुछ पढ़ाने नहीं आए हैं, बल्कि आप लोगों से कुछ बहुत जरूरी बातें करने आए हैं। काफी दिनों से मैं सोच रहा था कि जो हमारी कुछ समस्याएं हैं, या कहें कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो आपके साथ शेयर कर दूं। लेकिन कभी मन करता था कि आपको ना बताऊं, कभी मन करता बता दूं। तो आज फाइनली मैंने डिसाइड किया है कि जो थोड़ी सी दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम है, तो उसको हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले तो आपसे निवेदन है, और वो भी हाथ जोड़ करके निवेदन है, कि आप इस वीडियो को प्लीज पूरा देखिएगा, ठीक है? जितने भी 10-15 मिनट का वीडियो जो भी होगा, आप इसको प्लीज पूरा देखिएगा, मेरी बात को समझने का प्रयास करिएगा, और बताइएगा कमेंट के माध्यम से क्या मैं सही हूं या मैं गलत हूं, ठीक है? फैसला आपको लेना है, आपको निर्णय करना है कि मैंने जो बातें कही हैं वो सही है या फिर वो गलत है। दोस्तों पहली चीज तो ये है कि आज हम लोग के चैनल पर, यानी डीपी एडुकेटर फैमिली में, लगभग 17,000 लोग जुड़ चुके हैं, ठीक है? और मैं मानता हूं कि जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, उसमें से मैक्सिमम लोग पढ़ने वाले ही हैं, चाहे वो समीक्षा अधिकारी की परीक्षा दे रहे हों, चाहे वो खंड शिक्षा अधिकारी दे रहे हों, या फिर वो पीसीएस की परीक्षा दे रहे हों, या किसी अन्य परीक्षा से जुड़े हुए हों। हमारे कई सारे विद्यार्थी, कई सारे मित्र ऐसे होंगे जो 2-3 परीक्षाओं से जुड़े हुए हैं, ठीक है? यानी कि लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाएं देते हैं, ठीक है? तो कुल मिलाकर के मुझे, मेरा मानना यह है कि सब लोग पढ़ने वाले ही हैं, सब लोग स्टूडेंट हैं, ठीक है? चाहे वो मेल हो, चाहे फीमेल हो, चाहे बॉयस हो, चाहे गर्ल्स हो, सब लोग पढ़ने वाले हैं। और मेरा जो प्रयास रहता है, जो हमारी पूरी कोशिश रहती है, कि मैं आपको आपके हिसाब से पढ़ाऊं, ठीक है? जैसी आपकी डिमांड होती है, आप जिस पर वीडियो बनाने बोलते हैं, हम उसी पर बना देते हैं, ठीक है? हालांकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है, मैटर खोजना पड़ता है, उसको कलेक्ट करना होता है, ठीक है? बहुत सारा टाइम लगता है, लेकिन जो भी आपकी डिमांड होती है, हम सारी डिमांड पूरी करते हैं, ठीक है? समय पर आपको वीडियो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है? कभी कभार लेट अपेट हो गया, वो एक अलग बात है, लेकिन मतलब मैक्सिमम ही रहता है कि आपको टाइम टू टाइम हम चीजें प्रोवाइड करते हैं, आपकी सारी डिमांड पूरी करते हैं, ठीक है? मटेरियल जो हमारा रहता है, वो आपने देखा होगा, एकदम से सेलेक्टेड मटेरियल रहता है, और मैं वही मटेरियल आपको प्रोवाइड करता हूं, चाहे वो हिस्ट्री का हो, चाहे वो पॉलिटी का हो, चाहे वो करंट अफेयर्स का हो, कोई भी मैटर हो, सिर्फ वही सेलेक्टेड मटेरियल रहता है जो मैंने स्वयं पढ़ा है और जो लोक सेवा आयोग पूछता है, यानी लोक सेवा आयोग की डिमांड क्या है, वो चाहता क्या है, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको पढ़ाने का प्रयास करता हूं। आप ये चीज देखते भी होंगे, ऑब्जर्व भी करते हैं, आपके कमेंट भी बताते हैं कि बिल्कुल अच्छा चल रहा है, ठीक है? अगली बात, मुझे जो बनना था, फिलहाल मैं बन गया हूं, ठीक है? मुझे समीक्षा अधिकारी बन गया हूं, ज्वाइनिंग भी होने वाली है, जल्दी ज्वाइनिंग भी हो जाएगी, और भी हमारा प्रयास आगे जारी है, जो भी हमको बनना है, ठीक है? जो भी हमारा सपना है, तो हमारा प्रयास आगे भी जारी है, उसमें हम लगे हुए हैं, ठीक है? तो देखिए, मेरी मंजिल तो मिल गई है, ठीक है? आपकी मंजिल मिलना बाकी है, और आपको पता यह भी है कि मैंने इस बात का ऐलान कर रखा है कि इस परिवार से, इस डीपी एडुकेटर फैमिली से कम 100 अधिकारियों को मुझे निकालना है, 100 अधिकारी बनाने हैं यहां से, और ये हम करके रहेंगे। बस आप लोगों का सहयोग चाहिए। आप इस बात का अंदाजा यहां से लगा सकते हैं कि सोचिए कि 22 मार्च से लॉकडाउन है, लगभग 3 महीने हो गए हैं, और मुझे पता है कि आप सब लोग अपने घरों में हैं, घरों में रह करके पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन दोस्त यकीन मानिए, मैं सिर्फ आप लोगों की वजह से घर नहीं गया हूं। क्यों? क्योंकि अगर मैं घर चला जाता तो वहां पर ये फैसिलिटी नहीं है कि मैं आपको रिकॉर्ड कर पाऊं, सारे बोर्ड वगैरह जो भी चीजें हैं, घर पर ये संभव नहीं है। आपको पता ही है कि घर पर कितनी पढ़ाई होती है, कितना समय मिलता है, ठीक है? नहीं संभव है, इसलिए सिर्फ मैं आप लोगों की वजह से घर नहीं गया, वरना मुझे क्या था यार, मेरी तो नौकरी लगी गई ना, आराम से घर जाता, फैमिली के साथ टाइम व्यतीत करता, इंजॉय करता, खाता पीता, मस्त रहता, ठीक है? लेकिन नहीं, मैंने सोचा अगर मैं घर चला गया तो आप लोग मुझसे दूर हो जाएंगे, जो आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं वो नहीं कर पाएंगे, आपको कोई गाइडेंस नहीं दे पाएगा, आपको मार्गदर्शन कौन देगा, आपको हर संडे को मोटिवेशन कौन देगा, आपके कमेंट कौन पढ़ेगा, कौन आपके कमेंट का जवाब देगा? इसलिए दोस्त, मैंने पूरे 3 महीने अकेले इलाहाबाद में रह करके बिताए हैं, और आपको पता है कि लॉकडाउन के दौरान कितनी स्थितियां, मार्केट बंद थे, दुकानें बंद थीं,
कैसे कैसे यहां पर मैं रहा हूं वो मुझे पता है, और वो भी सिर्फ आप लोगों के लिए, ठीक है। इसके अलावा आप जो भी वीडियो बताते हैं वो मैं बना देता हूं, ठीक है, सब कुछ होता है। और सोचिए कि बताइए कोई ऐसा व्यक्ति है आपकी नजर में जो नौकरी लगने के बाद भी इतनी मेहनत करता हो, तो भी अपने लिए नहीं दूसरों के लिए, आप लोगों के लिए, पढ़ाने के लिए। वरना यार हमें क्या पड़ी थी बताइए, मेरी तो लग गई ना, आराम से एंजॉय करते हमें इसे चैनल खोलने की, किसी को पढ़ाने की, आपको मोटिवेट करने की, कहानी सुनाने की, ये दुनिया भर का मैटर इकट्ठा करने की क्या जरूरत थी। लेकिन वही है ना कि मैं सच में आप लोगों से प्यार करता हूँ, आप लोगों से मोहब्बत करता हूँ, और आप सभी लोग मेरे अपने हैं, चाहे वो गर्ल्स हों चाहे वो बॉयज हों, सभी लोग मेरे अपने हैं, सभी हमारे छोटे भाई बहन हैं। हो सकता है कुछ हम लोग हमसे बड़े भी हों, ठीक है, फिर भी मैं उनको अपना भाई बहन मानता हूं। लेकिन इतना सब होने के बावजूद आपको मोटिवेशन देता हूं, आपको सपोर्ट करता हूं, यहां तक ये सोची कि मैं कई लोगों को पर्सनली सपोर्ट करता हूं। हमारे पास कॉल्स आते हैं, मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप आते हैं, मैं उनको हर एक बात का जवाब देता हूं, ठीक है। और जितने मतलब हमें लग रहा कि करीब सैकड़ों लोगों ने मुझे अभी तक फोन कर चुके हैं, कम से कम 200-300 लोग तो मुझसे बात कर ही चुके हैं, वो पता नहीं कहाँ टेलीग्राम फेसबुक से नंबर खोज लेते हैं, कॉल करते हैं, ठीक है। तो मैं उनकी समस्या के हिसाब से उनको जवाब देता हूं, उनका समाधान करने का प्रयास करता हूं, ठीक है। साथ ही साथ आपकी और जो भी व्यक्तिगत समस्याएं रहती हैं उनमें भी शरीक होता हूं, आपको समझाने का प्रयास करता हूं। कुछ लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं तो हमसे मोटिवेशन के लिए फोन करते हैं, ठीक है। तो मतलब बहुत सारी चीजें हैं, कुल मिलाकर के मैं आपका हर कदम पर साथ देने का प्रयास करता हूं। लेकिन मैं काफी दिनों से देख रहा हूं कि मैं तो आपका हर कदम पर साथ देता हूं, ठीक है, और मैंने कई वीडियो में ये बात कही भी है कि आप लोग मुझे साथ नहीं दे रहे हैं, मेरा सहयोग नहीं कर रहे हैं, मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, आप मुझे मोटिवेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। देखिए, मेरा कहने का मतलब यह है कि जो भी मैं वीडियो डालता हूं, 17,000 चैनल से लोग जुड़े हुए हैं, क्या इसमें पढ़ने वाले 1,000 लोग हैं या 1,500 लोग हैं या सिर्फ 2,000 लोग हैं? बाकी लोग क्या कर रहे हैं? क्या वो पढ़ने वाले नहीं है? अगर पढ़ने वाले नहीं है तो फिर अनसब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि भीड़ बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। हमारा जो उद्देश्य है कि हमें कम से कम अपने चैनल से 100 अधिकारियों को निकालना है, वो हम निकालेंगे, ठीक है। तो जो लोग वीडियो देखते हैं 1,500-2,000 लोग, हम उसी में से सिलेक्ट कर लेंगे। बाकी जो 17,000-18,000 लोग जुड़े हुए हैं उनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो अगर जो लोग पढ़ने वाले नहीं है या जिनको हमारी बातें अच्छी नहीं लगती हैं, हमारा मटेरियल अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, आप मुझे अनफॉलो कर सकते हैं, अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं ये चाहता हूं कि जो जितने भी सीरियस लोग हैं, एक्चुअल पढ़ने वाले हैं, जीवन में कुछ करने वाले हैं, वो हमसे दिल से जुड़े हैं, और मैं उनकी पूरे मन से पूरे दिल से सपोर्ट करूंगा, पूरी सहायता करूंगा, ठीक है। अभी तो फिलहाल इलाहाबाद में हूं, जल्दी ही मैं लखनऊ पहुंचने वाला हूं, ठीक है। आपको पता ही कि मैंने बहुत बड़ा एक प्लान बना रखा है, ठीक है, उसमें एक डिजिटल बोर्ड होगा, पूरा माइक वाइक कैमरा वैमरा, मतलब सब कुछ, जो भी आपकी समस्याएं हैं सारी समस्याएं समाधान होने वाली हैं, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखिए, मैंने आज तक किसी भी व्यक्ति से 1 रुपए की डिमांड नहीं की है, पूरा निस्वार्थ भाव से निःशुल्क सेवाएं आपकी मैं कर रहा हूं। हालांकि मुझे बहुत सारे लोगों ने, मतलब कम से कम लग रहा कि 1,500 लोगों ने मैसेज के माध्यम से, कॉल्स के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से मुझे ऑफर किया कि सर मैं आपकी कुछ हेल्प करना चाहता हूं, बोर्ड अच्छा ले ले, कैमरा ले ले, माइक ले ले, ठीक है। लेकिन मैंने कहा नहीं, ठीक है, क्योंकि ये सब हमारे जीन में नहीं है। बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता है कि मैं आपसे पैसे लूं, आपसे फीस लूं, आपसे डिमांड करूं और फिर अपना लगाऊं। जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, ठीक है, रूखी सूखी जो है हम उसी में पेट भर लेंगे, ठीक है, हम किसी की घी लगी हुई रोटी की तरफ नहीं देखेंगे, ठीक है। जो भी हमारे पास संसाधन है हम उसी में आपको बेहतर करने का प्रयास करते हैं। आपको दिखाई नहीं देता है हम स्क्रीनशॉट लेकर के टेलीग्राम पर डाल देते हैं ताकि आपको नोट्स बनाने में कोई समस्या ना हो। हर एक बिंदु पर कितना ख्याल रखते हैं आपका हम, यही तो मोहब्बत हमारी, यही तो हमारा प्यार है आपसे। लेकिन आप लोग मुझे प्यार नहीं दे रहे हैं, आपके व्यूज बताते हैं,
आपके कमेंट, आपके लाइक बताते कि आप मुझे उतना प्यार नहीं देते हैं जितना मैं आपको करता हूं। मैं आपको एग्जांपल के तौर बता रहा हूं, देखिए कितने व्यूज आप लोग देखते हैं मुझे। देखिए कल मैंने आपको एक करण का वीडियो डाला था शाम को, अभी तक जो है 18 घंटे हो गए हैं, मात्र 1500 लोग देख पाए हैं। ठीक है, मैंने कल विधान परिषद का डाला था, मात्र 1200 लोग देखे हैं। सोचिए 17000 लोगों में सिर्फ 1200 लोग, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? मुझे पता है वही काम करते हैं कि आप लोग डाउनलोड करके रख लेते हैं। देखिए व्यूज का मैं भूखा नहीं, पहले आप समझिए, व्यूज का मैं भूखा नहीं हूं और ना ही व्यूज आने से कोई बहुत बड़ी मतलब मेरा वो नाम होगा, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये है कि व्यूज मैं इसलिए देखना चाहता हूं ताकि मुझे पता चले कि मेरा वीडियो कितने लोग देखते हैं और कितने लोग पसंद करते हैं। आप अगर 17000 लोगों में 1000 लोग अगर देखेंगे तो मुझे कैसा लगेगा यार, सोच के देखो कि मतलब 16000 लोग मुझे पसंद नहीं करते हैं तो हमारा पढ़ाना बेकार है, फिर कोई मतलब नहीं है ना। बताइए भाई, ये तो 10% भी नहीं हुआ ना भाई। 17000 व्यूअर्स अगर 10% भी देखा जाए तो कम से कम 1700 लोग होना चाहिए, लेकिन क्या मतलब हमको सिर्फ 10% लोग पसंद करते हैं? अगर ऐसा है तो हमारा पढ़ाना बेकार है, इतनी जो मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, एक वीडियो बनाने में 4 से 5 घंटे लगते हैं, उसका मैटर तैयार करने में, बोर्ड पर लिखने में, लेक्चर देने में, उसको एडिट कंप्रेस कट करने में, उसको अपलोड करने में, शेयर करने में 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, और व्यूज मतलब हमको सिर्फ 100 में से 10 लोग पसंद करते हैं। ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है दोस्तों, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। अगर आप थोड़े से भी समझदार हैं तो फिर ये आप समझ जाइए। ठीक है, मतलब मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा आप लोगों से, लेकिन आप, मुझे लगता है कि आप तैयारी कर रहे हैं सिविल सेवा की, तो समझदार तो अवश्य होंगे, बिल्कुल समझ जाइए। ठीक है, तो जो लोग डाउनलोड करते हैं प्लीज उनसे मेरा निवेदन है, ठीक है, कि उसको देखें। ठीक है, मुझे पता चले, व्यूज अगर नहीं देखते, आप लोग तो ऑनलाइन यूट्यूब पर जाकर देख सकते हैं कि इस वीडियो को कितने लोगों ने देखा है, आपको पता चलता है ना। अब कुछ लोग तो ये भी सोचते होंगे कि अरे मैंने डाउनलोड करके रख लिया, बाकी भाड़ में जाए, बाकी लोग देख रहे होंगे। ठीक है, तो दोस्तों जैसा आप सोच रहे हैं ना, वैसा हो सकता है सामने वाला भी सोच रहा हो। जब सब लोग ऐसा सोचेंगे तो फिर देखेगा कौन। ठीक है, और व्यूज आने से क्या होता, हमको अंदर से खुशी होती है, हालांकि मैं अच्छा कर रहा हूं लेकिन मैं और अच्छा करने का प्रयास करता हूं। जैसे मैं आपको संडे को एक डोज देता हूं ना, बूस्टर देता हूं कि आप कहीं पढ़ के थकना गए हो, आपकी एनर्जी ना कम हो गई हो, तो वो डोज मुझे कहां से मिलेगी? वो डोज आप मुझे देंगे। जब वीडियो पर व्यूज अच्छे आएंगे, ज्यादा लोग देखेंगे, तो मुझे हर्ष होगा, खुशी होगी, हम और भी अच्छा करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इसलिए दोस्तों कोशिश ये करिए कि इसको ऑनलाइन देखिए, पूरा नहीं देख सकते हैं, कुछ देर देखिए, लेकिन आप ध्यान रखिएगा ये क्या कि व्यूज आप देखिए। व्यूज दोस्तों अगर वीडियो पर अगली बार से कम आए, ठीक है, तो फिर देखिए ये अच्छा नहीं होगा दोस्त। ठीक है, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मुझे बहुत बुरा लगता है, बहुत खराब लगता है कि जब आप मुझे लोग, आप लोग सहयोग नहीं करते हैं, सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए मुझे मेरी मंजिल मिल गई है, आपकी मंजिल मिलना बाकी है। क्या आप अपनी मंजिल की ओर अकेले चलना चाहते हैं या फिर मेरे साथ चलना चाहते हैं? अगर आपको मेरा साथ चाहिए तो फिर आपको भी मुझे अपना साथ देना होगा। इसलिए ये वीडियो आपको आज मिला, देखिए इसको, समझिए मेरी बातों पर, गहराई से विचार करिए। अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूं। ठीक है, बाकी अगर आप लोग सहयोग नहीं करेंगे तो फिर मुझे सॉरी बोलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए मैं इतनी मेहनत करता हूं, इतना अपना समय देता हूं, सब कुछ करता हूं, लेकिन मुझे रिस्पॉन्स जब नहीं मिलता है, लोग मुझे देखते नहीं है। ठीक है, और देखेंगे नहीं तो फिर बनाने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, इसलिए मैं एक दो वीडियो और डाल के देखूंगा कि स्थिति क्या है। ठीक है, अन्यथा फिर अलविदा ही कहना होगा आप लोगों से। ठीक है, फिर आप लोग की मर्जी है, जो करिए, जैसे आए वैसे पढ़िए। ठीक है, लेकिन चूंकि मुझे जब मोटिवेशन नहीं मिलेगा, आपसे सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो फिर हम कैसे कंटिन्यू रख पाएंगे? इसलिए आपसे मेरा फिर से अंत में एक बार निवेदन है कि प्लीज मेरी बात को समझिए, उस पर ध्यान दीजिए, और व्यूज आप स्वयं देखिए। कम से कम ये 17000 हमारे सब्सक्राइबर हैं, और अगर 4-5 हजार लोग भी नहीं देखते हैं तो मतलब क्या है यार, इतने तो पढ़ने वाले होंगे ना। बताइए,
कोई मतलब गंवार व्यक्ति, कोई रिक्शे वाला ऑटो वाला तो सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब पढ़ने वाले ही होंगे। ठीक है, तो आप अपने स्तर से, आप अपना समझ करके, अपना चैनल समझ करके, मुझे अपना समझ करके, ठीक है, एक व्यूज दीजिए, आप उसको क्लिक करिए, 1-2 मिनट उसको चलाइए, ठीक है, इसके बाद आप डाउनलोड करना चाहे कर लीजिए। हालांकि कुछ लोग कहते हैं कि गांव में रहते हैं, नेटवर्क की समस्या है, पूरा ऑनलाइन नहीं दे सकते हैं, तो मैंने कब कहा कि पूरा देखिए। आप अगर क्लिक कर देंगे, 1 मिनट भी देख लेंगे ना, तो क्या है, आपका व्यूज काउंट हो जाएगा कि आप हमसे जुड़े हैं, आपने मुझे देखा, ठीक है, कि जौनपुर का लड़का हमको देख रहा है, ठीक है, मुजफ्फरनगर का लड़का हमको देख रहा है, प्रतापगढ़ सुल्तानगढ़ के लोग हमको देख रहे हैं, पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आप नहीं करते हैं, मतलब क्लिक नहीं कर सकते, आप सोचिए कितने आलसी हैं आप लोग। ठीक है, तो दोस्तों फिलहाल मैं आपसे विदा चाहता हूं, ठीक है, और मैं वीडियो आपको कल वीडियो आपको मैं सुबह दूंगा, हिस्ट्री का वीडियो होगा वो बौद्ध धर्म का। ठीक है, देखते हैं कि कितने लोग हमारी बात पर ध्यान देते हैं और क्या रिस्पॉन्स देते हैं। ठीक है, इसके बाद ही जो आगे का निर्णय होगा वो मैं लूंगा, और वो निर्णय बहुत ही सख्त होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, नमस्कार, धन्यवाद।